हेलो दोस्तों, कुक एंड चिल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कोल्ड सैंडविच। इसके लिए हमें सामान चाहिए, एक प्याज, एक छोटा खीरा, दो टमाटर, मयूनी और ये शेजवान सॉस, चार पीस ब्रेड, ये हमारे पास है चिली फ्लेक्स, काला नमक और काली मिर्ची। इसके साथ फ्रेंड्स, इसमें हम मिक्स वेज मयोनी, बाजार में रेडीमेड आती है, वो भी डाल सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत बढ़िया, वैसे तंदूरी मयोनी का आता है वैसे आता है। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमने ब्रेड ले ली है, अगर आपने साइड के ये पीसेस काटने हैं तो आप काट सकते हो, पर मैं नहीं काटती। अब हम इसमें सबसे पहले लगाएंगे वेज मयोनी। ये देखो, ज्यादा नहीं डालनी, थोड़ी सी डालनी है। इसका टेस्ट बहुत, सॉस लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, इतना बढ़िया टेस्ट आता है इसका। ये देखो, इसको इस पे स्प्रेड कर देंगे। ये देखो, ये होगी। इसमें नमक वगैरह पहले से डला होता है, ये डल गए। अब हम सबसे पहले इसमें डालेंगे दो खीरे, फिर दो टमाटर, फिर दो अनियन, डल गया। उसके बाद हम थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स, अगर छोटे बच्चे को देना है तो चिल्ली फ्लेक्स मत डालिए, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा काला सेंधा नमक जो सेहत के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी शेजवान सॉस। अगर आपने सिंपल सॉस डालनी है तो आप वो भी डाल सकते हैं, उसका भी टेस्ट अच्छा आता है और इसको लगाने से और भी टेस्ट बढ़ जाएगा। ये देखिए, बस लग गए, ज्यादा नहीं लगानी हमको, इतनी ही लगानी है। लगा के हम इसके ऊपर इसको कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा बनके कोल्ड सैंडविच तैयार हो गया। अब दूसरा बनाते हैं। फिर से देखिए, ये हमारे पास है मस्टर्ड सॉस। अगर आपके पास दूसरी नहीं है तो ये आप मस्टर्ड सॉस भी लगा सकते हैं। ये देखो, इसको ऐसे लगाया, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। ये देखो, ये लग गया। अब इस पे हम लगाएंगे दो खीरे, आप ज्यादा भी डाल सकते हो जितना आपको टेस्ट लगे। ये देखो, दो अनियन, मेरे पास खीरे ज्यादा है, मैं दो और खीरे लगा दूंगी। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, काली मिर्ची और सेंधा नमक। दोस्तों, जरूर ट्राई करके देखें घर में, आजकल लॉकडाउन चल रहा है, ये जल्दी से बन जाता है और फटाफट से हम इसे बना के खा भी सकते हैं। इस पे और लगाएंगे हम फिर से मयोनी सॉस। पास वो सॉस नहीं है, शेजवान सॉस, तो हम सिंपल केचप भी डाल सकते हैं। ये देखा, वैसे ये तो बच्चों को वैसे ही बहुत पसंद है केचप। ये देखिए, अब इसको हम स्प्रेड कर देंगे। बस ज्यादा कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल इजी मेथड से ये बन जाएगा। कोई ज्यादा जो सामान आपके पास घर में अवेलेबल है उसी से आप बना सकते हैं। ये देखो, ये हमारा बनके बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, अब इसे हम काट के भी खा सकते हैं, बनके तैयार हो गया। इसे हम ऐसे चाकू से काट के भी खा सकते हैं। ये देखो, ताकि उठाने में आसान, बच्चों को जब भी भूख लगे तब इसे बना के झटपट खा सकते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल रेडी है, अब इसे खाइए, बनाइए और खाइए। तो आपको ये मेरा कोल्ड सैंडविच कैसा लगा, मुझे लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके बताएं।